हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो। मैं भी ठीक हूँ। आ गई हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज का जो ब्लॉग है, वैसे रिक्वेस्टेड कुछ नहीं है, बस एक दिन लाइव में किसी ने मुझे बोला था कि आप रेड कलर का टीप सॉरी बंगाली बोलियो, आप रेड कलर का बिंदी पहनो। तो आज का स्पेशल जो है इस ब्लॉग में, मैंने आज रेड कलर का बिंदी पहना है। मैं रेड नहीं पहनती हूँ क्योंकि मुझे खुद पसंद नहीं है रेड कलर। पता नहीं कैसा लग रहा है, कमेंट करके जरूर बताइए करके, ब्लैक ज्यादा जचता है फेस पे या फिर रेड ज्यादा अच्छा लग रहा है? मुझे तो रेड नहीं अच्छा लगता है, ज्यादा ब्लैक अच्छा लगता है। और ज्यादातर आप लोगों ने देखा भी होगा कि मैं ब्लैक कलर का बिंदी ही लगाती हूँ। सो आज का जो ब्लॉग है वो साड़ी पहन के है। आज मैंने एक नए, मतलब ये जो ब्लाउज है मैंने नया खरीदा है, आज फर्स्ट टाइम मैंने पहना, क्योंकि मेरा येलो कलर का था ही नहीं, खरीद के लाई हूँ। और पिंक कलर का जो साड़ी है ये पुराना ही है। बस इसी के साथ आज का ब्लॉग करना है। बस गर्म लग रहा है तो पहले मैं क्या करूँ, अपने हेयर को थोड़ा सा बांध लूं। बहुत ज्यादा गर्मी है, पहले हेयर को बांध लूं थोड़ा सा ऊंचा करके। अच्छा, घर का काम ऐसे ही करना पड़ता, नहीं तो गर्मी के मारे हालत खराब हो जाती है। देखो पसीना तो आना स्टार्ट हो गया पूरा, है ना, दिख रहा है ये देखो। सो अभी जो मैं करने वाली हूँ, घर का छोटा मोटा काम है, बर्तन धोना है, फिर मैं कुछ कंटेनर्स लेके आई थी उसमें सामान ट्रांसफर करना है, सब धो था के सुखा के रखा हुआ है, सब करना है। और आज क्या लंच खा रही हूँ, लंच पे क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं अपना काम स्टार्ट करूँ, आप लोग देखते रहिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये तो जरूर बोलिए कि ये येलो कलर का ब्लाउज मुझे कैसा फिट हुआ, मतलब अरे हिंदी नहीं आता है मुझे, सब उल्टा पुल्टा बोल देते, मतलब येलो कलर का ब्लाउज कैसा लग रहा है मेरे ऊपर, अच्छा लग रहा है या नहीं। और आज मैंने जो ये रेड कलर का बिंदी पहना है, क्या रेड कलर का बिंदी मुझे अच्छा लग रहा है? ठीक है, कमेंट करके बोलना। तो चलो मैं अपने काम पे लग जाती हूँ, बट उसके पहले क्या करना है, पल्लू को ठीक करो। साड़ी पहन के काम करना तो मुझे आता नहीं है, ये साड़ी पहन के बर्तन धोएंगे अभी ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना पूरा भीगने वाला है, बट क्या करें, साड़ी पहन के ब्लॉग कर रहे हैं तो इसके बाद इसको फिर साफ भी करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे कुछ बर्तन रखे हुए हैं जिसको साफ करना पड़ेगा। एक मिनट, कैमरे को एडजस्ट करूं। सी कल का बर्तन है, कल छोड़ के भागेगी, मैं हमेशा ऐसी करती हूँ। शाम का टाइम होता है ना, चाय वगैरह पी या फिर ऑमलेट बनाया, उसका जो बर्तन निकलता है ना, धोने का टाइम नहीं रहता, फेंक के भाग जाती हूँ। अब दूसरे दिन मैं जब आती हूँ ना, तो सबसे पहले झूठा बर्तन साफ करो, किचन क्लीन करो, वही आज मैं करने वाली हूँ। लाइट्स थोड़ा सा कम हो गया ना, तो पीछे वाला लाइट मैंने बंद कर दिया इसी वजह से। चलो बर्तन तो मैंने धो लिया, अब दोपहर का खाना मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या खाने वाली हूँ। आज खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, तो इसी वजह से आज मैं खाऊंगी, अभी जो खा रही हूँ ये मैं खीरा लाई थी खरीद के मार्केट से, कल लेके आई थी, साथ में एक
ये शायद हिंदी में अमरूद बोलते हैं गुआवा को, बंगाली में प्यारा बोलते हैं। तो और साथ में टमाटर रखा हुआ है। बस सैलेड नहीं बनाएंगे इसका, बस ऐसे ही खाएंगे। तो ये रहा मेरा अभी का खाना, बट इससे पेट तो भरेगा नहीं, थोड़ी देर बाद वापस भूख लगने वाली है। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये मैंने एक गिलास लिया है, सत्तू मैं घोल के रखूंगी, अभी नहीं खाना है, थोड़ी देर बाद खाएंगे। अच्छा, और एक चीज मैं बता दूं, ये कुछ कंटेनर्स मैं लाई थी खरीद के, तो सामान इसमें ट्रांसफर करना बाकी रह गया, उसी को मैं पहले करूं, क्योंकि चीनी विनी वगैरह सब कुछ बाहर ही रखा हुआ, ऐसे पॉली बैग में रखा रहता था, आप लोगों ने देखा ही होगा टी टाइम ब्लॉग में दिक्कत होता था। तो आपको ट्रांसफर किए, चलो अब चीनी 2 चम्मच, ये चीनी में काला चुप्पी आ जाता है ना, बहुत मुश्किल होता है, देखो कुछ घोल के पीना रहा ना, चीनी का गंदा समझ में आ जाता है। ओके, अच्छा अब इसमें डालेंगे नमक, पानी तो मैं लाई नहीं, पानी लेके आती हूँ, पानी ज्यादा पानी नहीं देना है क्योंकि सत्तू बहुत कम ही है, सत्तू भी लाना भूल गई खरीद के। अब ये जो पानी है ना, ये चीनी को घोलने के लिए रखेंगे, ऐसे ही अभी छोड़ देंगे इसको, ये घुलेगा। अच्छा, ये सारे कंटेनर्स भी लाई थी, ये जो चाय का पत्ती है ना, इसको ट्रांसफर करते हैं। इस घर में बहुत सारा सामान अभी खरीदना बाकी है, हो नहीं पाता है मेरे से, मतलब काम के बीच बीच में करती हूँ ना, तो टाइम नहीं निकलता है। और ये रहा मेरा मसाले का डिब्बा, देखती हूँ यहाँ पे क्या क्या मसाला है, इसमें ट्रांसफर करेंगे। ये रहा क्यूमिन पाउडर, क्यूमिन धनिया पाउडर, प्लास्टिक में रख रख के मसाला यूज करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, तो इसको तो लाना पहले जरूरी था। ये रहा हल्दी, ये रहा जीरा पाउडर, बट जीरा हो गया है खत्म, बहुत ही कम है, मसाले का ऐसा डिब्बा होना चाहिए। ये रहा हल्दी, चलो अच्छा, ये रहा मिर्ची, यहाँ पे बेसन पड़ा हुआ है, ये रहा गरम मसाला, इसको इसी में छोड़ देते हैं। अच्छा, हल्दी का एक दूसरा पैकेट भी है, इसमें रख देते हैं। बहुत दिन से सोच रही थी एक मसाले का ये वाला खरीदूं, हो ही नहीं रहा था। अच्छा, ये देखो, ये पोस्तो, ये गरम मसाला, तब अगर एक में नहीं रखूंगे ना, तो फिर याद भी नहीं रहेगा कि मैंने क्या खरीदा है, क्या है घर पे, नहीं है मसाला। यहाँ पे मिर्ची का है रखा हुआ, बट मिर्ची छोड़ दीजिए अभी, जिस दिन खाना वगैरह कुछ बनाएंगे उस दिन मिर्ची इसमें ये करेंगे। और एक सामान इसमें रखा हुआ है, पता है क्या है, गोटा जीरा, क्यूमिन सीड्स, सही कहा मैंने, सब चीज का इंग्लिश नाम नहीं पता है मुझे, जीरा, गोटा जीरा था रखा हुआ प्लास्टिक में ही, इसको भी मैं ट्रांसफर कर देती हूँ। छोटे मोटे इतने सारे काम घर पे रहते हैं ना, आप लोग को पता ही होगा, बहुत काम रह जाता है पीछे। अरे निकल, चलो ये बहुत बड़ा काम हो गया, इस तरह
तरीके से कंप्लीट हो गया। ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि लाऊं खरीद के हो ही नहीं रहा था। चलो मसाले का जो डिब्बी है बहुत बड़ा काम। चलो ये तो हो चुका, मसाला मैंने ट्रांसफर कर दिया। भूख लग रहा है, बहुत जोर से भूख लग रहा है। अब जो करना है मुझे, सत्तू को बाद में धोलेंगे जब खाएंगे तब, अभी नहीं खाएंगे। अभी खीरा वगैरह रखा हुआ है, आज नहीं खाएंगे ना तो खीरा खराब हो जाएगा और अमरूद जो है ना वो पक जाएगा। मुझे पके हुए अमरूद खाने में अच्छा नहीं लगता है, एकदम डांसा रहेगा, टाइट टाइट मुझे अच्छा लगता है वो वाला। तो ये लाई थी कल खरीद के, आज तो वैसे भी नरम हो चुका है, आज छोड़ देंगे तो कल बिल्कुल पक जाएगा। उसके बाद मैं तो खाऊंगी नहीं, उसको फेंक दूंगी, तो वेस्ट नहीं करना है, खा लेते हैं। देखो खीरा कैसा हो चुका है, खीरा पीछे की तरफ में सूख गया है एक ही दिन में। फ्रिज नहीं है ना, सामान की बर्बादी होती है वहां पे, पता है। छिलका नहीं निकालना था, मैंने गलती से छिलका निकाल दिया। चलो इसके साथ टमाटर को भी काट देते हैं, पता है क्यों खराब नहीं हुआ, क्योंकि टमाटर सब्जी तो बनेगा नहीं अभी दो दिन यहाँ पे, ये टमाटर जो है खराब हो जाएगा। इसको भी मैं नमक लगा के खा लूंगी। बचपन में ना बहुत टमाटर खाती थी, आज बचपन का स्टोरी बताती हूँ। बचपन में मतलब मेरा बेटा जो है ना उसको चश्मा लगा है माइनस पावर का, ठीक है। मेरे घर पे किसी को चश्मा नहीं है, बट बेटे को चश्मा लग गया, वो भी माइनस पावर का। सब्जी वगैरह कुछ खाता तो है नहीं, वही मैं उसको बोलती हूँ कि बचपन में कच्चा सब्जी खाती थी, बंद गोभी, फूल गोभी, फिर बरबट्टी, टमाटर, गाजर, ये सब तो कच्चा ही खा जाती थी। फिर एक मिलता है ना ओल कोपी, जिसको बंगाली में बोलते हैं, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग, ओल कोपी बंगाली में बोलते हैं। वो तो एकदम नानी के घर जाती थी ना, वो लोग खेती होता था वहां पे, जमीन से काट के ताजा लाते थे, उसका छिलका निकाल के एकदम नमक लगा के और खाते थे। और ये जो टमाटर देख रहे हो ना, बचपन में बहुत खाती थी, मतलब 5-6 टमाटर काट के उसमें हल्का सा नमक और हल्का सा वो मिर्ची, लाल मिर्ची का पाउडर मिक्स करके बैठ के खाती थी। तो ये सब खाना अच्छा होता है, बचपन में बहुत खाती थी, तो शायद उसी की वजह से अभी तक आंखों में चश्मा नहीं है। आंख मेरा सही है, बट बेटे का जो है कब हो गया, उसका चश्मा लगा हुआ है 5-6 साल पहले से, और फिर माइनस पावर का। अभी वापस से बोल रहा है कि मम्मी धुंधला लग रहा है दूर वाला, तो उसको फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। गड़ियाहाट में दिशा आई हॉस्पिटल है, वहां पे मैं उसका चेकअप करवाती हूँ आई का, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया है, नेक्स्ट फ्राइडे मुझे उसको लेके जाना है सुबह सुबह। तो वही बचपन में, अभी के बच्चे लोग जो हैं वो सब्जी वगैरह खाना नहीं चाहते हैं, जो उनके हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कहाँ सुनते हैं आजकल के बच्चे, तो सारे बच्चों को अभी चश्मा लग जाता है बचपन में ही। चलो सब में नमक लगाएंगे, अभी ये खाएंगे, फिर बाद में जब भूख लगेगा ना तो फिर सत्तू। आज खाना नहीं बनाएंगे, आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा हैवी कुछ खाने का, मन नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि फिर से मुझे काम पे निकलना है। हैवी खाएंगे ना तो फिर मुझे बहुत आलस लगेगा। एक मिनट, कंप्लीट। ये रहा मेरा दोपहर का लंच, नहीं लंच इसके साथ सिर्फ ये नहीं, ये भी है, बाद में खाएंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। येलो कलर का ब्लाउज मुझ पे कैसा लग रहा है ये भी बताना है, और ये जो मैंने रेड कलर का बिंदी पहना ये कैसा लग रहा है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का ब्लॉग यहीं तक, टाटा।